यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। आज जन्मदिन है मेरे प्रिय और हमारे देश के प्यारे रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो आज एक मैं बहुत ही सुंदर उनकी कविता बहुत उत्साह से भरी हुई लेके आई हूँ आपके लिए, आशा का दीपक। तो कहते हैं दिनकर जी इस कविता में, ये उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं अपना साहस खोकर, आशाएं उम्मीदें खोकर, जीवन से हार कर थक कर बैठ गए हैं। तो उनके लिए यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। वो दूर कहीं एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, एक टिमटिमाते झिलमिलाते दीपक के रूप में। वो अधिक दूर नहीं है तुमसे, शायद उसकी झिलमिलाहट तुम्हें पुकार रही है अपने पास, प्रेरणा दे रही है, बुला रही है, बार बार इशारा कर रही है कि चले चलो, थक कर मत बैठो भाई। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चलते चलते अगर तुम्हारे इन पैरों में घाव भी आ गए, छाले भी पड़ गए, लहू लुहान भी हो गए तो क्या। हर लहू की बूंद चिंगारी बन के तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगी। पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें अपने ही वो लहू के निशान जगमग दीपक के समान जलते दिखाई देंगे। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांत नहीं रे रही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। कांति का उल्टा है क्लांत, अंधकार। तो यह आराध्य भूमि है, अब भी तो है परीक्षा का समय। ये क्लांत नहीं है, अंधकार नहीं है, यहीं से प्रकाश का आरंभ होना है। जब इंसान सब हिम्मत खो बैठता है, लेकिन फिर जब वो दृढ़ संकल्प करके उठता है, उसके बाद वो कभी हार नहीं मानता, तो शायद यही वो परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें उठना होगा। बाकी होश तभी तक जब तक जलता दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। आगे कहते हैं, अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, अंधकार का हृदय चीरते हुए अपनी हड्डी की मशाल बनाकर चलते रहो यदि चलना पड़े तो। सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का, एक खेप है शेष बस एक बार और, किसी विध पार उसे कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का, आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। सारी रात तो तुमने चल चल कर बिता दी है, अब जब सवेरा होने को है तुम हार मानना चाहते हो, बैठ जाना चाहते हो। एक खेप है शेष बस एक खेप और, एक बार और प्रयत्न करो। वो देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का, पुकार रहा है तुम्हें, पहुंचो अपने प्रियतम के पास, एकात्म तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब इतना पास आकर भी जो लौट जाए उसे सच्चा शूर नहीं कहा जा सकता। उठो छोड़ो ये उदासी, मत ओढ़ो कायरता का जामा, शूर बनो, थक कर मत बैठो, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो चुकी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, दिशा दीप्त हो चुकी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। अनल अग्नि के अक्षर स्वर्णाक्षरों में तुम्हारा नाम पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुका है, अब इस अंत समय में आकर क्यों हार मानते हो। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, ये मिट्टी तुम्हारी परीक्षा ले रही है,
इस मिट्टी को अगर तुम अपने लहू से सींच रहे हो तो कल फूल अवश्य खिलेंगे यहीं पर। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। कितनी परीक्षा लेगा ईश्वर आखिर, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं।